प्रथम मैं माँ भारती के चरणों में शत-शत प्रणाम करती हूँ और कोटि-कोटि नमन करती हूँ उन वीर शहीदों को जिन्होंने माँ भारती की आत्मान और शरीर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसा कि हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। यदि आज सब प्रभु और स्वतंत्र है तो इसके पीछे हमारे देश भक्तों की शहादत त्याग और सम्मान है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे अनगिनत सेनानियों ने देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब जाकर भारत देश आजाद हुआ। आजाद भारत स्वतंत्रता के सारे अधिकार हमको मिले, परंतु आज देखा जाता है कि लोग अपने अधिकारों की वकालत करते हैं, पर जब कर्तव्य पालन की बारी आती है तो मानव अहिंसा टूट जाता है। ऐसे मानसिकता देश के लिए घातक है। हमें समझना होगा देश और हमारे क्या कर्तव्य है। देश हमें सब कुछ देता है, हम भी कुछ देना सीखे। एक बात कहना चाहूंगी, स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रगान के समय केवल 2 मिनट चौकान रहने मात्र से हमारे राष्ट्र भक्ति पूरी नहीं होती, बल्कि हमें हर वक्त सावधान रहना होगा। हमें सावधान रहना होगा धार्मिक डर के फैलाव से, हुकुम प्राणों से, राजनीतिक बेईमानों से। हमें सावधान रहना होगा विदेशी फंडिंग से, पोषक आतंकवाद से, नक्सलवाद और नक्सलवाद से, धूमासन करते असामाजिक तत्वों से, हिंसा फैलाने की अफवाहों से, नफरत भरी निगाहों से। हमें सतर्क सावधान रहना होगा जातिवाद फैलाने मकानों से। तब कहीं जाकर हमारा देश महफूज और मजबूत होगा। मैं दावा तो नहीं करती कि हमारा देश विश्व का सबसे श्रेष्ठ देश है, किंतु यह विश्वास जरूर रखती हूँ कि यदि भारत का हर नागरिक पूरी ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से कर्तव्य के साथ अपना जुट जाए तो हमारे देश को पूरी विश्व में महाशक्ति बनकर देर नहीं लगेगी। लेकिन अफसोस है कि हम विजय पर तो पहुँच गया लेकिन धरती पर रहने का कायदा नहीं सीख पाया, जिसका दुश्मन यूक्रेन और रूस का खूनी संघर्ष और हमास और इजराइल का विनाशकारी युद्ध कांड है। आजादी के बाद हमारे देश ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की है। आज हमारे पास स्वदेशी फाइटर जेट है, स्वदेशी मिसाइल है, स्वदेशी युद्ध टैंक है। वादा करो हम सब मिलकर इस देश को स्वर्ग बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे। अब मैं अपने भाषण को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देती हूँ। चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर पहुंची थी आजादी किनारे पर, जिसमें बहकर पहुंची थी आजादी।